एवरीवन, मैं कल्पिता और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल ब्यूटी नाइन में। आज हम देखेंगे कि हेयर कलर घर पर किस तरीके से कर सकते हैं। सो आप सभी लोग तो जानते हैं कि त्योहारों का समय आ चुका है, बहुत सारे त्योहार है बैक टू बैक, और मैं काफ़ी बोर हो चुकी थी अपने बालों से, तो मैंने सोचा कि कुछ नया किया जाए। इसके पहले मैंने अपने हेयर में मोस्टली गोल्डन शेड ही रखा है, और अब मैं खुद को उसमें देख देख के कम्प्लीटली बोर हो चुकी थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं कुछ नया ट्राई कर लूँ। लेकिन मुझे सैलॉन जाना बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था, मतलब मैं बहुत ज़्यादा लेज़ी टाइप की इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा बाहर जाना पसंद नहीं है, तो क्या किया जाए, घर पर हेयर कलर किया जाए। तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि घर पर हेयर कलर किस तरीके से कर सकते हैं, और साथ ही में एक बहुत ही अमेजिंग प्रोडक्ट भी आप लोगों को बताऊँगी जो हेयर कलर में आपकी हेल्प करेगा, और उसे अप्लाई करना बहुत ही ईजी है। सो गाइज, मैं ये कलर करने के लिए बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम घर पर हेयर कलर करने वाली हूँ, और ये हेयर कलर करने के लिए मैं यूज़ करने वाली हूँ गार्नियर से ये कलर नेचुरल हेयर कलर। अब ये प्रोडक्ट मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया, इसके फीचर्स पढ़ने के बाद मुझे बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा, और मैं खुद बहुत एक्साइटेड हूँ इसे यूज़ करने के लिए। सो लेट्स ट्राई इट। चलिए, हेयर कलर लगाने से पहले बात कर लेते हैं थोड़ा बहुत इस प्रोडक्ट के बारे में, बिकॉज़ ये प्रोडक्ट हम अपने हेयर पर यूज़ करने वाले हैं, सो हमें उसका नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। गार्नियर कलर नेचुरल्स में बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं स्पेशली इंडियन स्किन टोन के लिए। मैं जो शेड यूज़ कर रही हूँ वो है 5.32 कैरमल ब्राउन, तो क्योंकि मुझे ब्राउन्स बहुत पसंद है इसीलिए मैंने ब्राउन में शेड चूज़ करा है। अब इसमें रेड कलर है, बरगंडी कलर है, और उसमें भी काफ़ी सारे शेड जो हैं आपको दिए गए हैं। और गाइस, अगर आप कंफ्यूज हैं कि कौन सा हेयर कलर आपके फेस पर सूट होगा, तो फिकर नॉट, आप गार्नियर की वेबसाइट पर जा सकते हैं जो कि है garnier.in। वहाँ पर आपको मिलेगा इस तरीके का एक वर्चुअल ट्राई ऑन कैमरा, जहाँ पर आप अपनी फ़ोटो भी अपलोड कर सकते हो, या फिर आप लाइव कैमरा यूज़ करके भी चेक कर सकते हो कि कौन सा हेयर कलर आप पर सूट करेगा। और इसकी सबसे खास बात जो मुझे लगी थी पर्सनली, वो ये है कि ये अमोनिया फ्री है, क्योंकि अमोनिया बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, लेकिन इसमें अमोनिया नहीं है, मतलब ये मेरे बालों को सेफ रखने वाला है। साथ ही में इस हेयर कलर की एक और खास बात यह है कि आपके बालों को ड्राई नहीं बनाता है। सो यूजुअली हेयर कलर से बाल ड्राई हो जाते हैं, इसीलिए मुझे हमेशा से डर रहता है कि बाल कहीं ड्राई ना हो जाए मैं घर पर हेयर कलर करूँगी तो। लेकिन ये प्रोडक्ट ने मेरी वो टेंशन दूर कर दिया है, तो इसे मैं ट्राई करना चाहूँगी, और आज हम करेंगे भी इसे ट्राई। सो गाइस, इस पैक में आपको टोटल 3 चीज़ें मिलती हैं। एक तो हेयर कलर ट्यूब, दूसरा डेवलपर जो हमें हेयर कलर में मिक्स करना होता है, तीसरा ये एक छोटा सा पैकेट मिलता है जिसमें आपको मिलते हैं कंडीशनर के पैकेट्स और साथ ही में हैंड ग्लव्स। तो चलिए सबसे पहले इसे मिक्स कर लेते हैं। और आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप हेयर कलर कर रहे हैं तो आपको मेटालिक बोल्स का यूज़ नहीं करना है, आप या तो सिरेमिक या फिर ग्लास या फिर प्लास्टिक बोल्स का यूज़ कर सकते हैं। तो अब कलर मिक्सिंग कर लेते हैं, और कलर मिक्सिंग के लिए मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी ये कलर बोल जो कि स्पेशली कलर्स के लिए बनाया गया है। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं हेयर आर्टिस्ट भी हूँ, तो इसीलिए मेरे पास ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप, मैंने जो भी मटेरियल्स आपको बताए आप उनमें से किसी मटेरियल का यूज़ कर सकते हैं, बट ध्यान रखें कि नॉन मेटेलिक मटेरियल्स का यूज़ करना है, मेटेलिक मटेरियल्स बिल्कुल भी यूज़ नहीं करने हैं। सो बोल के अलावा भी आपको कुछ चीज़ों की ज़रूरत है ये हेयर करने के लिए, जैसे कि ये ब्रश, साथ ही में कुछ सेक्शन क्लिप्स या फिर आप क्लचर्स भी यूज़ कर सकते हैं, और कोम आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं जो भी आपके घर में है, और आपको ज़रूरत है सबसे स्पेशली इस टाल की, वरना आपके कपड़े ख़राब हो जाएंगे। एक और चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि जब आप कलर मिक्स कर रहे हैं तो आपको 1:1 का रेशियो लेना है। 1:1 मतलब 50% कलर और 50% डेवलपर, तो वो भी हम देख लेंगे कि किस तरीके से कलर मिक्स करते हैं। चलिए गाइस, तो फिर कलर मिक्सिंग कर लेते हैं। मेरे हेयर मीडियम है तो मैं यहाँ पर हाफ ट्यूब का इस्तेमाल करूँगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं आपको मार्किंग्स दी हुई है, और सेम मार्किंग्स आपको डेवलपर के बॉटल पर भी दी हुई हैं, तो हम हाफ ट्यूब यूज़ करने वाले हैं। इसके ढक्कन के पीछे आपको जो है ये
नुकीली चीज दी हुई रहती है जिससे आप यूं करके खोल सकते हैं ट्यूब। हमेशा आप ऊपर से प्रेस करें ट्यूब को इस तरीके से। अगर आपको सिर्फ रूट टचअप करना है तो आप 1/4 ट्यूब का इस्तेमाल करें। अगर आपको फुल हेयर कवर करने हैं तो फिर आपको फुल ट्यूब की ज़रूरत लगेगी, अगर आपके हेयर लॉन्ग हैं तो। तो वैसे तो गाइस मैं फुल हेयर करने वाली हूँ अपने, तो पूरा ही ट्यूब ले लेते हैं वरना फिर से हमें और कलर मिक्सिंग करनी ही पड़ेगी। तो इस तरीके से आपको जो है मिक्स कर लेना है कलर को अच्छे से। और ध्यान रहे कि ब्रश आपके पास होना ज़रूरी है, और इसमें जितने भी लम्स हैं आपको वो लम्स को हटाना है। तो जब तक ये एक स्मूथ पेस्ट बन के तैयार नहीं होता है तब तक आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो ये रेडी है गाइस, चलिए अब इसे बालों में लगा लेते हैं। सबसे पहले हम टाल लगा लेंगे, अपने अराउंड रैप कर लेंगे टाल को, और अगर आपके पास केप है तो और भी अच्छी बात हो जाएगी। सबसे पहले हम अपने हेयर को दो सेक्शंस में डिवाइड कर लेंगे। और उसके बाद हम इसके चार सेक्शन बना लेंगे। ग्लव्स लगाना मत भूलिएगा, अगर आप बिना ग्लव्स के हेयर कलर करते हैं तो आपके हाथों में केमिकल रिएक्शन हो सकता है। अब आपने एक एक सेक्शन ले लेना है। तो आपको पहले थोड़ा थोड़ा प्रोडक्ट स्ट्रैंड पर लगा लेना है और इस तरीके से फिर आपने मसाज करनी है, और इसी तरीके से आप अपने पूरे हेयर जो है कलर कर लेंगे। हेयर कलर लगाने से पहले एक पैच टेस्ट जरूर कर लें, क्योंकि इन कलर्स की एलर्जी होती है बहुत सारे लोगों को। तो आपको एलर्जी है या नहीं आपको पैच टेस्ट करने के बाद ही पता चलेगा। सो आप अपने कान के पीछे का एक स्ट्रैंड लेके पैच टेस्ट कर सकते हैं। गाइज अब हम इसे 30 मिनट्स तक रख लेंगे, और उसके बाद जो है मैं इसे नॉर्मल पानी से वॉश करूंगी, और साथ ही में मैं यूज करूंगी इसका ये स्टेप नंबर 3 जो कि है कंडीशनर। वॉश के बाद इस कंडीशनर को अप्लाई कर लेना है। अब मैं हेयर वॉश करके आपको आफ्टर इफेक्ट दिखाती हूँ। सो गाइस हेयर कलर करना इतना आसान है घर पर, आई होप अब आपको भी परेशानी नहीं होगी हेयर कलर करने में। और ये जो हेयर कलर आज मैंने आपको दिखाया है ये 8 से 10 वीक तक आपके बालों में यूं ही रहेगा। मुझे तो बहुत मज़ा आया हेयर कलर करके, और मैं एकदम रेडी हूँ फेस्टिव सीजन के लिए। अब जितने फेस्टिवल्स हैं मैं एकदम स्ले करने वाली हूँ अपने बालों के साथ। तो आप भी ज़रूर हेयर कलर कीजिए, इस हेयर कलर को ट्राई कीजिए, और मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये हेयर कलर कैसा लगा। आई होप आपने आज की वीडियो इन्जॉय करी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय एंड आई लव यू ऑल।